दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम हुई घोषित। बड़े बदलावों के साथ उतरेगी टीम इंडिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज के लिए टीम इंडिया घोषित हो चुकी है और बड़े बदलावों के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरने वाली है। पूरे विस्तार से आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, आपको भी लगता है कि पहला वनडे मुकाबला टीम इंडिया जीत जाएगी, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 1000 लाइक का है, तो दोस्तों भारतीय टीम को सपोर्ट जरूर करें, इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली जाने वाली है। इस सीरीज का पहला वनडे मुकाबला 12 मार्च को खेला जाना है। यह वनडे मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। यह वनडे मुकाबला दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। आप इस वनडे मुकाबले को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हो, और मोबाइल पर देखना है तो हॉटस्टार एप्लीकेशन पर देख सकते हो। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 15 मार्च को खेला जाएगा, तो वहीं पर तीसरा वनडे मुकाबला 18 मार्च को खेला जाएगा। तो दोस्तों यह 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है, और दोस्तों यह काफ़ी ज़्यादा रोमांचक मुकाबले भी होने वाले हैं। दोस्तों अगर यहां पर बात करें टीम इंडिया की, तो भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड खिलाफ 5 टी20 मुकाबलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन न्यूजीलैंड खिलाफ खेले गए 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज में काफ़ी ज़्यादा खराब प्रदर्शन किया था, और इस सीरीज़ को यहां पर 3-0 से यहां पर न्यूजीलैंड खिलाफ टीम इंडिया हार भी चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया को 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा और इस सीरीज़ को जीतना भी होगा। दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर साउथ अफ्रीका टीम के, तो अभी फ़िलहाल में साउथ अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबलों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, मतलब कि उन्हें कड़ी टक्कर देने में कामयाब साबित हुई है, साथ ही में ऑस्ट्रेलिया जैसे खतरनाक टीम को हराया भी है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए साउथ अफ्रीका काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो दोस्तों अब यहां पर देखने वाली बात होगी कि साउथ अफ्रीका और भारत के बीच होने वाली यह 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज कौन जीतेगा। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले पहले वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, और कौन कौन से बड़े बदलावों के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरने वाली है। पूरे विस्तार से आज के इस वीडियो में जान लेते हैं, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत में आप अपनी कमेंट में राय देना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं यहां पर नंबर 1 खिलाड़ी की। दोस्तों यहां पर आप सभी को हिटमैन रोहित शर्मा वापसी करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए काफ़ी अहम और बड़ी भूमिका निभाते हैं। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा चोट के चलते बाहर हो चुके थे, लेकिन अब रोहित शर्मा आप सभी को यहां पर मैदान पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए बहुत शानदार खेलते हैं, बहुत शानदार तरीके से ओपनिंग करते हैं, टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाते हैं, जिसकी वजह से रोहित शर्मा का टीम इंडिया में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और आप सभी को रोहित शर्मा वापसी करते हुए भी नजर आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर नंबर 2 खिलाड़ी की। दोस्तों यहां पर आते हैं शिखर धवन। जी हां दोस्तों, शिखर धवन भी आप सभी को मैदान पर वापसी करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि शिखर धवन चोट के कारण यहां पर मैदान से बाहर हो चुके थे, लेकिन अब शिखर धवन की वापसी लगभग तय हो गई है। शिखर धवन भी टीम इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं। अगर वनडे करियर के उनकी बात की जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और रोहित शर्मा के साथ उन्होंने ओपनिंग करते हुए काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में यहां पर रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप सभी को यह दोनों खिलाड़ी सलामी जोड़ी के तौर पर आप सभी को मैदान पर खेलते हुए
नजर आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नंबर 3 खिलाड़ी के, दोस्तों यहाँ पर आएंगे कप्तान विराट कोहली। जहाँ दोस्तों कप्तान विराट कोहली ने न्यूजीलैंड खिलाफ खेले गए यहाँ पर टेस्ट सीरीज में, वनडे सीरीज में काफी खराब प्रदर्शन किया है, लेकिन कप्तान विराट कोहली दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं, दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं और उनके जैसा खिलाड़ी शायद ही आपने इस दुनिया में देखा होगा। दोस्तों कप्तान विराट कोहली बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, वनडे करियर में उन्होंने बहुत सारा इतिहास रचा है, यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तोड़े हैं, तो ऐसे में यहाँ पर कप्तान विराट कोहली के पास भी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाए, साथ ही में इस 3 वनडे मुकाबलों की सीरीज को भी जीते, तो ऐसे में कप्तान विराट कोहली भी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पहले वनडे मुकाबले में किस तरह से कप्तान विराट कोहली प्रदर्शन करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नंबर 4 खिलाड़ी की, दोस्तों यहाँ पर आते हैं श्रेयस अय्यर। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के इस बेहतरीन बल्लेबाज की भी मैदान पर वापसी हो गई है। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें कि श्रेयस अय्यर ने बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी का दिल जीता है। दोस्तों आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब सभी को आप फिर से एक बार यहां पर टीम इंडिया की तरफ से नंबर 4 पर यहां पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के लिए बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, नंबर 4 पर आकर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो ऐसे में श्रेयस अय्यर आप सभी को बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नंबर 5 खिलाड़ी की, दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया में बड़ा बदलाव होते हुए केएल राहुल आप सभी को बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5 पर केएल राहुल शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, मतलब कि केएल राहुल को कोई भी स्थान दे दो, नंबर 1 का दे दो, मतलब कि ओपनिंग का दे दो या फिर नंबर 5 पर आकर बल्लेबाजी करने का, हर वक्त यहाँ पर केएल राहुल बहुत शानदार तरीके से प्रदर्शन करते हैं और पिछले कुछ मुकाबलों में उन्होंने इतना लाजवाब प्रदर्शन भी किया है जिसकी वजह से टीम में उनका होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप सभी को नंबर 5 पर यहां पर आप सभी को केएल राहुल बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर नंबर 6 खिलाड़ी के, दोस्तों यहां पर आते हैं ऋषभ पंत। जी हां दोस्तों, यहां पर भी टीम इंडिया में बड़ा बदलाव होते हुए यहां पर युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम इंडिया में मौका मिल सकता है। दोस्तों ऋषभ पंत भी टीम इंडिया की तरफ से बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हैं और यहां पर ऋषभ पंत को T20 और वनडे क्रिकेट का बहुत अच्छा बल्लेबाज कहा जाता है। ऋषभ पंत के आंकड़े देखे तो काफी अच्छे हैं और यहां पर बड़े हिट और शॉट लगाने के लिए ऋषभ पंत जाने जाते हैं। मैदान पर आते ही ऋषभ पंत को बहुत ज्यादा फेम है, उनका बहुत ज्यादा तारीफें होती है, चर्चाएं होती है, ऐसे में यहां पर ऋषभ पंत टीम इंडिया में फिर से एक बार आप सभी को वापसी करते हुए नजर आएंगे, साथ ही में विकेट कीपर की भूमिका निभाते हुए भी नजर आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नंबर 7 खिलाड़ी की, दोस्तों यहाँ पर आएंगे रविंद्र जडेजा। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा भी टीम इंडिया के मुख्य ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, मतलब कि बल्लेबाजी में भी टीम इंडिया को काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, साथ ही में गेंदबाजी में भी टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए 2-3 विकेट तो लेकर देते हैं। ऐसे में जडेजा की भूमिका टीम इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और पिछले कुछ मुकाबलों में रविंद्र जडेजा ने काफ़ी अच्छा और शानदार प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से रविंद्र जडेजा का भी टीम में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप सभी को फिर से एक बार रविंद्र जडेजा मैदान पर वापसी करते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नंबर 8 खिलाड़ी के, दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बड़ा बदलाव होते हुए युजवेंद्र चहल की वापसी होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों युजवेंद्र चहल काफ़ी दिनों से मैदान से बाहर हैं, मतलब कि उन्हें T20 वनडे टीम में शामिल तो किया जा रहा है लेकिन प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अब यहां पर टीम इंडिया में बड़ा बदलाव होते हुए आप सभी को युजवेंद्र चहल मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे, साथ ही में टीम इंडिया की तरफ से वापसी करते हुए भी नजर आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर नंबर 9 खिलाड़ी की, दोस्तों यहां पर टीम इंडिया में शार्दुल ठाकुर को मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, शार्दुल ठाकुर शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हैं, साथ ही में वक्त आने पर बल्लेबाजी भी करते हैं और यहां पर टीम इंडिया के लिए
काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तो साउथ अफ्रीका खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शार्दुल ठाकुर को मौका मिलेगा, ऐसे आसार तो दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नंबर 10 खिलाड़ी के, दोस्तों यहाँ पर आते हैं मोहम्मद शमी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद शमी टीम इंडिया के एक अनुभवी गेंदबाज माने जाते हैं, टीम इंडिया के मुख्य गेंदबाज माने जाते हैं। दोस्तों मोहम्मद शमी ने वनडे करियर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया के लिए खेलते हुए उन्होंने वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं और वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक उनका ब्लॉकबस्टर प्रदर्शन रहा है, तो ऐसे में मोहम्मद शमी की जगह भी पक्की है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 11 खिलाड़ी की, दोस्तों यहाँ पर आते हैं जसप्रीत बुमराह। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह भी काफ़ी बड़ी और अहम भूमिका निभाते हैं। जसप्रीत बुमराह का टीम में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और आप सभी को फिर से एक बार यहाँ पर नंबर 11 पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला पहला वनडे मुकाबला कौन जीतेगा यह वनडे सीरीज, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही में दोस्तों टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद दोस्तों बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।